नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। आरती और मनु, एक अभी ऐसी स्टोरी चल रही है बिहार में जो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन इस मुद्दे पर एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें आरती एक पत्रकार से पैसे मांग रही थी। इस विषय पर हमने आरती के पति मनु से बात की और मनु ने इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके दिए हैं। अब तक जो सवाल लोगों के मन में उठ रहा था कि आखिर आरती ने पैसे क्यों मांगे या फिर आरती की स्थिति अब कैसी है, गुजरात वो अपने पति के साथ क्यों नहीं जा रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर मनु ने आईवी टीवी से बात की है और ये बता दिया है कि आखिर एफआईआर किस मुद्दे पर दर्ज की गई। और अब जब एफआईआर हो चुका है तो बबीता मिश्रा उनको कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, आप भी सुनिए मनु ने आईवी टीवी से क्या कुछ बातचीत की है। हेलो, हाँ जी, मनु बात कर रहे हैं। मनु, मैं निशा बात कर रही हूँ पटना से, आईवी टीवी से। जी, मनु, कल आपको कॉल किया था तो शायद कोई प्रिया है आपके घर पे, उन्होंने फोन उठाया था। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली आपसे बात करना चाह रही थी कि कल ना एक ऑडियो आया था हम लोग के पास जिसमें एक एक जर्नलिस्ट है, हम लोग चलाए नहीं, हालांकि हम लोग कंफर्म करना चाह रहे थे अभी आपसे। और उसमें एक जो पत्रकार है वो बात कर रहे हैं आरती से और वो कह रहे हैं कि आरती उनसे 50,000 रुपया मांग रही है। जी देखिए, वो जो एक मीडिया वाले थे, फिनीराम न्यूज था, तो उनमें से जो ये है कि उनको वो मतलब आते थे इंटरव्यू लेने के लिए ना बार बार, तो ये बोलते थे पर्सनली मैं कि अपना भाई समझ लो, ठीक है। अच्छा। कोई भी दुख दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताया करो, ठीक है। तो इधर हम लोग को थोड़ा मजबूरी पड़ गया था ना, तो इसी तौर पे जो है बोले थे। तो मतलब सच में आरती मांगी थी पैसा? हाँ, 50,000 नहीं, बोल रहे थे जितना भी जुगाड़ हो तो बोलिएगा, ठीक है। तो क्या ऐसी मजबूरी थी मनु, क्या मतलब क्यों, क्या हो गया था? देखिए, एक तो हमारे ऊपर इधर केस हो गया, ठीक है, बबीता मैम जो की आप लोग को पते होंगे। हाँ। तो एक इधर मजबूरी हो गया, ठीक है। एक उधर जो हमारा शादी लगे थे ना, तो आरती जी का उसमें तबीयत खराब थे, जो उनका पैसा मेरे ऊपर यानी सब चीज दे दिया था, पैसा पूसा सब चीज। अच्छा। हाँ, जहाँ मेरा शादी लगा था पहले, मेरा छोटू का डेट होने से पहले। हाँ। तो उनका 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर था, ठीक ना। अच्छा, ठीक है। तो उसमें से आरती का जो तबीयत खराब हुआ था तो उसमें लग गया था। आप आईसीयू में थी तो 5-6 दिन तक, आपको पता होगा पूर्णिया में थी, तो उसमें लग गया, उसका पैसा ऐसे खर्च हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। उसको दे नहीं पाए, उसमें से 50,000 दिए, तो कैसे भी करके हम लोग जो है ना और 50,000 दिए उसमें से, उसका बच गया था 50,000 रुपए। तो उसने 10 आदमी बैठाया, ठीक है, जिस दिन मेरा शादी था। अच्छा। आरती से जिस दिन शादी था, तो उसने 10 आदमी को बैठाया, बोला हमको 5 तारीख तक में रुपए चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इस दौर पे जो है ना अभी बोले थे, और हम फिर ये सोचे कि जो बोले थे कि मतलब हमसे कोई भी मदद चाहिए तो बोलिएगा, तो इसी तौर पे बोले थे। तो एक तो आप लोग का मदद नहीं किए, ऊपर से जी नहीं मदद नहीं किया। हाँ, उनको बोले, वो फोन किए थे, ठीक है, हमको। हाँ। कि भैया हम गलती से, हम भी कंफर्म करना चाहते थे कि आरती है कि और कोई है, हम दूसरे को भेजे थे वीडियो, उसने वायरल कर दिया बिहार खबरी। अच्छा जी। तो फिर हम बोले देख लीजिए, अब जब वायरल हो गया है तो आरती का इमेज जो है बहुत खराब बन रहा है कि बहुत जी, तेज जी। है, पैसे मांग रही है। देखिए, अगर देखिए उस रिकॉर्डिंग में आप ये भी सुनिएगा कि अगर आरती को ब्लैकमेल करना होता, कुछ भी करना होता, तो उसको बोल दिया था कि देख लीजिए भैया आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ चल रहा है। अगर ब्लैकमेल कोई भी लड़की को करना होता तो मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग करे चलेगा तो थोड़ी बोलेगा, उसको अपना समझ के बोला था, ठीक ना। अच्छा। ठीक है, उनके पास न है, अगर मदद करने का मन न था तो बोल देते है ना, हम लोग जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। अच्छा, ठीक जी। अच्छा, मनु, एक मतलब हमारे सहयोगी हैं, वो भी आपसे इस मसले पे बातचीत करना चाहते हैं, जरा आप बात कर लीजिए। मनु जी जी। हाँ, आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है। जी जी। देखिए, जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई है जी, उसमें तो जनरल जो बातचीत होती है, जो अपने लोगों से कोई आदमी मदद मांगता है
वैसे ही है, वैसे ही आरती मांग रही है। इसमें कोई हम लोग को कोई बहुत ये नहीं लग रहा है, वो तो बोल भी रही है कि मुझे जरूरत है और चूंकि आपने कभी कहा था इसलिए हम आपसे मदद मांग रहे हैं जी। बाद में वो 50,000 के बदले में लास्ट में 10,000 ही शायद बोल रही है कि 10,000। हाँ, देखिए अभी ऐसा बात नहीं है, मदद नहीं किया है। एक है जो क्या नाम है, एक मैं न्यूज का नाम बता देते हैं, एक न्यूज वाले हैं जो कि वो भी मदद किए हैं, ठीक है, 5,000। तो ऐसे भी हम लोग जो है ना मदद किया, 2 आदमी 3 आदमी, ठीक है। तो हाँ, पैसा पूरा के उसको हम आज देंगे पैसा। नहीं 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 देखिए, आदमी जब उस स्थिति में होता है, भगवान न करे किसी को वैसी स्थिति आए, तो अपने लोग से तो मदद मांगता ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जी जी, लेकिन जिस तरीके से अब खबर चलाने का नजरिया अलग अलग होता है ना, जी, इस तरह से, इस तरीका से उसको मतलब वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जो कि उसको भाई समझ के ही बोले थे, उसने पहले बोले थे तब ना। बिल्कुल, और जिस तरह से आपसे मेरी बात हो रही है, अब सब बात हो रही है, और इसमें कोई भी चीज ऐसी बातें होगी और उस चीज को हम गलत एंगल से चला देंगे तो ये तो ये गलत है, सरासर ये गलत है ना जी, ठीक है। तो देखिए उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, ठीक है। ये तो, और आपको जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये हम ऑडियो क्लिप की सत्यता जानने के लिए किसी को भेजे थे और तब जाकर उन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया, आपको लगता है कि ये फैक्ट है, ऐसा ही हुआ होगा? जी नहीं, हमारा ख्याल वो पहले वही किया है, ठीक है, उसके चैनल पे ही देखे थे हम, तो हम कॉल नहीं किए, हम बोले कि ठीक है जब वो किया है ना तो ठीक है, जब उनको गाली पड़ने लगे ना तो फिर उसी ने हमको कॉल किया कि देखिए भैया हम नए डाले हैं, हम किसी और को भेजे थे, उसने डाल दिया, हम सिर्फ आवाज चेक कर रहे थे आरती जी के है कि किसी और का है। तो हम बोले देखिए हम झूठ क्यों बोलेंगे, जो सच्चाई है वही बताएंगे। हम बोले नहीं, देखिए आरती जी का ही आवाज है, ठीक ना। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे उस तरह पे आपको बोला, लेकिन इस तरह जो वीडियो वायरल किए हैं ये मतलब सही नहीं किए हैं। हाँ, तो बहुत फिर बहुत माफी मांगे, हमने किए हैं, दूसरा कोई किया है, हम उसको बोलते हैं डिलीट करने, हम बोले आप डिलीट करके क्या फायदा, अब तो वायरल हो गया ना। नहीं बिल्कुल, और उस चीज को सब लोग चलाया, हालांकि हमने नहीं चलाया, हमने चलाया था कल जब आपकी वो भतीजी है क्या, प्रिया कोई, जी जी प्रिया भतीजी भैया की लड़की है। हाँ, तो उनसे जो बातचीत हुई थी, वो निशा ओझा हमारी रिपोर्टर है जी, कल शाम को आपसे बात करने के लिए फोन लगाई थी तो वो उन्होंने उठाया था, तो उनसे जो बातचीत हुई थी वो हम लोग चलाए थे, ठीक है। ऑडियो क्लिप पर क्या कहना है मनु और आरती की भतीजी का, वो सुनिए, ठीक है। हमने वो ऑडियो नहीं चलाया था जो वायरल हुआ है आप लोग का ऑडियो क्लिप, वो लोग का था, तो इसीलिए चूंकि हम लोग मतलब पूरी तरीके से चाहते हैं कि कोई भी बात मिस कंफर्म कर लेना चाहिए, सबसे बात करके तब चीजों को रखनी चाहिए। जी देखिए, इसमें जो ब्लैकमेल का जो नाम दिया है ना, ये गलती है। मान लीजिए अगर मदद मांगना होता, नहीं, 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 मतलब उस तरह करना होता तो मतलब रिकॉर्डिंग जानते हुए कि रिकॉर्डिंग चल रहा है फिर भी बोले। हाँ नहीं नहीं नहीं, और इसमें हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग वाली बात है, चूंकि जनरल जो अपने लोगों से जो बातचीत होती है उस मुताबिक बातचीत हुई है, तो इसमें वो ब्लैकमेलिंग वाली बात तो मुझे नहीं लगती है। खैर, हम लोग ये एक और चीज जानना चाह रहे थे आपसे कि बबीता मिश्रा वाला केस, अभी हम लोग की बात हुई थी, वहाँ के जो भरगामा के जो थानेदार हैं, जी जी, हाँ, उनसे हम लोग बातचीत किए थे अभी, तो उसमें जो FIR की कॉपी है वो तो आप लोग के पास आ ही गई होगी, आपने वो निकाला होगा, आया है। हाँ, उसमें तो आप जैसा बता रहे थे कि आपके पिताजी और आप पर दोनों पर हुआ है, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि सिर्फ आप पे केस हुआ है। जी, उसमें मतलब दिया गया कि मनु उनके पिता द्वारा ऐसे कांड किया गया है, तो हालांकि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मनु किए हैं, तो हाँ, वैसे जो जो थाना प्रभारी है वहाँ के जो रिलेवेंट है, उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, हमारे हमारे रिपोर्टर एक बीना है, उसने बात की है, तो वो बताया थे कि सिर्फ मनु पे केस हुआ है। जी जी, सिर्फ हम ही पे हुआ, कंफर्म हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए घर में सिर्फ हम ही कमाने वाले थे, ठीक है, तो एक मेरा बड़ा भाई है वो तो अपना अलग है, यानी अलग हो गया मम्मी पापा से, ठीक ना। अभी सिर्फ हम कमाने वाले थे, एक छोटा भाई था वो तो नहीं रहा, तो इस कारण अभी केस हो गया। तो मान लीजिए कोई बार पुलिस भी आया था तो हम घर से निकल गए थे, ठीक ना। इस द्वारा जो हम घर पे उतना नहीं रहते हैं फिलहाल। तो पूछताछ अभी नहीं हुई है आपसे चाहे आपके घर वालों से? जी, है कौन पूछताछ?
मतलब पुलिस जब आई थी तो पूछताछ जो प्रक्रिया होती है कि हाँ, वो किया था, हाँ पापा से किया था। नहीं ठीक है, इसमें मुझे जो लगता है कि वो लोग भी जो पुलिस की तरफ से भी कोई भी केस हो जाने से सिर्फ ये नहीं हो जाता है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है उसके मुताबिक, उसको जो लगता है पुलिस को उस मुताबिक आईडी कार्रवाई करती है। हाँ तो ये सब तो प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अच्छा जी, हाँ हाँ दूसरी चीज की ये जो बात आ रही थी उस दिन जो सबको जो सवाल जवाब हो रहा था, हम लोग देख रहे हैं लगातार आप लोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं जी जी वो बिल्कुल भी किसी भी आदमी को इरिटेट कर देगा, किसी कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा और आवेश में भी आ सकता है जैसा कि आप लोग आए थे। जी देखिए, मेरा पापा मतलब शुगर बीमारी है, ठीक है। हाँ उस दिन भी दवा करा के आए थे, ठीक ना। तो बबीता मैम प्यार से बोले कि हमको एक बार दिलाइए, 2 मिनट के लिए बात करेंगे, ठीक ना। ठीक है, बबीता मैम का बात सुन करके बोले ठीक है ले लीजिए 2 मिनट का। तो लेकिन हाँ, जिस मुद्दे पे उखरा है शादी का बात उखरा है, ठीक है, तो उस मुद्दे पर ना बात करते, तो वो पूरा लेके चले गए, 13 साल का बच्चा है आरती का भाई, उसको छुड़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस बात पे पापा को गुस्सा आया। मान लीजिए जो वो हुआ वो तो अपना कोर्ट कानून करेगा ना, जो पहले हो गया है उसमें जो गुनहगार रहेगा उसको सजा मिलेगा, जो नहीं रहेगा वो आ जाएगा, यही ना। अच्छा उसमें बबीता जी एक ऑडियो क्लिप बार बार आरती को हाँ, बोल रही है, ऑडियो के बारे में भी बता देते हैं सर। हाँ तो उसका जो 13 साल का भाई है ना जी, तो एक उस समय में जो है ना उसका भाई का भी नाम पड़ गया, जो कि वो दोस्त मतलब ऐसे नहीं है, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है। तो उसका भी नाम पड़ गया, ठीक है, गांव वाला सबके मतलब अथी से नाम दे दिया गया है उसमें। तो उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो चला देंगे ना तो बेइज्जती हो जाओगे, बेइज्जती हो जाओगे, बेइज्जती हो जाएगा। हाँ वो वीडियो मतलब जो बबीता मैम से जो ये बोले थे ना कि बबीता मैम मेरा 13 साल का भाई है वो पूरा मतलब उन्हें अति नहीं है, निर्दोष है। हाँ उसी वीडियो का बात करते हैं। नहीं तो वो 13 साल का बच्चा तो जो अभी जो बाइट वाइट देता है कई चैनल पे वही है ना, वो छोटा है, वो सबसे छोटा है। हाँ तो वो तो अरेस्ट नहीं ना हुआ है जी? नहीं 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 वो सबसे छोटा, उसका मांजल भाई है 13-14 साल का है, नाबालिग का भी। हाँ तो केस तो आप लोग कितने लोगों पे किए थे? जी हम लोग 9 आदमी पे किए थे। तो लेकिन थाना रानीगंज थाना प्रभारी से अभी बात हुई है जी, वो बता रहे थे कि 8 लोगों पर ही केस है और 8 लोग जेल में हैं। जी जी तो ये नौवा आदमी कौन है जो बाहर है? जी हमको जैसे सुनने में आया बोल रहे हैं कि 9 आदमी है, तो 9 आदमी टोटल है, 8 आदमी बोल रहे हैं कि 9 आदमी बोल रहे हैं, हमको पता नहीं। देखिए जब भी घटना हुआ था ना, हाँ तो हम मतलब कि बाहर में थे, तो उसके 2 दिन के बाद आए हम, ठीक है। तो फिर आए, फिर हम ज्यादा दिन नहीं रुके, हम 1 महीना घर में रहे क्योंकि घर का स्थिति जानते। आप कहाँ रहते थे? गुजरात की पंजाब? गुजरात में रहते हैं। गुजरात में कहाँ? सूरत में? सूरत के बगले में है गांधीधाम। अच्छा क्या करते हैं आप वहाँ पे? जी राइस मिल में काम करते हैं। अच्छा 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 जी। तो हम इस घर का स्थिति सही नहीं था, एक तो ऊपर से वो रुपए कर्जा हो गया था जिससे हम लड़की वाली से लिए थे, जिनसे हम मेरा शादी होता, तो फिर हमको ये टेंशन हो गया था, अभी तो इधर लफड़ा हो गया है। आपकी शादी कहीं और तय हो रही थी ना पहले? जी जी हाँ, तो उसको उन लोगों को तो फिर कन्वे करने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, देखिए ऐसे ऐसे हालात हैं, वो लोग मान गए? जी वो खुद अपने मुंह से बोले हैं, बोले थे। हाँ हम लोग कुछ नहीं बोले थे, वो लोग खुद अपने मन से बोले 2-3 महीने के बाद कि देखिए अब तो जो हुआ सो हुआ, ये लड़की अब कहाँ जाएगी, जब आपके घर में आ गया है तो ठीक है रहने दीजिए, जो हम पैसे दिए थे वो वापस कर दीजिए, ठीक है मेरा बेटी का शादी कहीं और हो जाएगा। हाँ तो सब वापस हो रहा हो गया। जी जी नहीं नहीं ये तो अच्छा हुआ है, हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि शादी वादी हो गई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये मानने की बात होती है कि चलो 1 साल बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन परिस्थिति वैसी थी तो देखिए सर ये ठीक है, हम भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है ना 1 साल की घटना होने के बाद 1 साल के बाद किया जाता है, ठीक है। हाँ नहीं, नहीं हम लोग हाँ हम लोग का ये नहीं था, जैसे हम लोग को गांव समाज के बीच रहना है, जिस तरह वो लोग बोलेंगे तो अभी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज होता है तो मान लीजिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उन लोग का भी बात मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बात जी।
हाँ, और ये चीज आप लोग तो लगातार वीडियो में भी चाहे लाइव भी आते हैं, तो आप लोग तीनों आदमी का देखा था मैंने, माफी भी मांग रहे हैं खासतौर पे जी, बबीता बहुत बहुत भी। माफी मांगे, बहुत रिक्वेस्ट किए बबीता मैम से। और बबीता मैम से तो अभी तक कोई रिस्पांस आया है उधर से कुछ इस तरह जी, की उधर बात? से कोई रिस्पांस नहीं दिया है फिलहाल, न फोन उठाती है। अच्छा, आप लोग फोन करते तो फोन भी पिक नहीं कर रही है वो? जी पहले तो करती थी लेकिन अभी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, केस करने के बाद से फोन पे बातचीत हुई है आप लोग की? जी हुई है, तो वो सिर्फ बोली थी कि ठीक मम्मी जी का तबीयत खराब है तो अभी हम यहाँ पे हैं हॉस्पिटल में हैं, थोड़ा देर के बाद करते हैं। तब 5 रोज से 4 रोज से जब से घटना हुआ है ये वाला, तब से यही बात बोल रहे हैं, तो हम लोग से बात नहीं हो पाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि समय के साथ वो भी प्रबुद्ध महिला है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा या जो भी होगा, तो फिर वो शायद जी ठीक है। देखिए हम तो बोले हैं कि बबीता मैम से जो भी हुआ है ठीक है, मेरे से गलती हो गया, वो अति गुस्सा से हो गया, मान लीजिए हमको लगा मेरे पप्पा को बेवकूफ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ऐसे हमको लगा ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं हम नहीं मेरे तरफ से ही गलती हुआ तो माफी मांग रहे थे हम। हाँ, नहीं, वो माफी मांग लेने के बाद चीजें खत्म हो जानी चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं, कोई भी वाद विवाद बढ़ने से तो और परेशानी होती है ना। देखिए सर हम लोग एक तो गरीब आदमी है ठीक है, इधर लफड़े पे लफड़ा लग रहा है हमको ठीक है ना, अगर और चलिए कि अभी कमाने वाला और होता तो हम जेल चल जाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा किस्ती चलता है 15-16 हजार का महीने का, तो ये प्रॉब्लम है मैम। नहीं, हम लोग को भी ऐसा लगेगा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे उनसे बात करके और ये रखने की आपकी बात, और मुझे लगता है कि सब समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक तूफान आता है और फिर शांति होती है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी भी आपके घर पे लगातार यूट्यूबर ब्लॉगर पत्रकार लोग पहुंच ही रहे हैं? जी पहुंच रहे हैं, बाहर से वीडियो बना रहे हैं कि देखिए हम ही लोग यहाँ तक पहुंचाए, हम ही लोग को बैठने दे रहे हैं। तो अभी भी तो आप लोग दे ही रहे हैं सबको? ना अभी नहीं दिए हैं, कई चैनल देख रहे थे कि कई लोग चला रहे हैं। हाँ, उसके उसी बीच में क्या होगा कोई जो दे रहे हैं ना, तो घटना के बाद जो दिए थे 2-4 रोज, हाँ, तो उसी बीच का होगा, इधर नहीं दिया, गेट में ताला लगा रहता है। नहीं, हाँ, अब इतना फेस करने के बाद तो ये सारी चीजें हैं ही। अभी कैसी तबीयत है? कल बता रही थी आपकी भतीजी की आरती की तबीयत पानी वानी। हाँ, आरती का तबीयत खराब हो गया, जो और की सुनी है तो केस में एफआईआर दर्ज हो गया, तो और तबीयत खराब हो गया उनका। नहीं, इसको ठीक करना है, डॉक्टर को दिखाइए और ज्यादा इसको ये नहीं करना है। और अभी आरती बात करने की स्थिति में नहीं है जी? नहीं। अच्छा ठीक है, जब होंगे तो हम बात करा देंगे। हाँ, जब वो कंफर्टेबल फील करेंगी, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ हमारे तरफ से प्रेशर भी नहीं है जी। जब उनको लगेगा कि बात करना चाहिए तो एक बार हम चाहेंगे कि बात करा दीजिएगा, नहीं लगेगा तो फिर आप स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि आरती और मन्नू को लेकर आए दिन बखेड़ा खड़ा हो जाता है और इस मुद्दे पर एक नया मुद्दा रोज शुरू होता है। इसी को लेकर के हमने मन्नू से बातचीत की और मन्नू ने तमाम सवालों के जवाब एक एक करके आईवी टीवी को दिए थे। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं निशा, आईवी टीवी पटना। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।